नमस्कार, DTW24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। राजनीति में एक ही परिवार के लोगों का अन्य अन्य पार्टियों में शामिल हो जाना बेहद आम बात है। इसका ताजा उदाहरण है चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय का राजद में शामिल होकर राजद की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ना। आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा राय इस बार राजद की ओर से दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लालू परिवार और चंद्रिका राय के बीच क्या संबंध है, ये तो जग जाहिर है। बता दें, चंद्रिका राय राजद छोड़कर अब जदयू में शामिल हो चुके हैं। परसा विधानसभा सीट पर चंद्रिका राय को मात देने के लिए तेजस्वी यादव ने उनकी ही भतीजी करिश्मा राय को राजद में शामिल कराया था। करिश्मा पहले परसा को ध्यान में रहकर ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से वह दानापुर में सक्रिय हो गई है। दो दिनों से जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। करिश्मा ने कहा कि पार्टी का जहां से आदेश होगा वहीं से वह लड़ेंगी। आइए जानते हैं कौन है करिश्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा को राजद में शामिल कराया था। वह चंद्रिका के बड़े भाई विधान चंद्र राय की पुत्री और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की बड़ी बहन है। पेशे से डेंटिस्ट करिश्मा को तेजस्वी ने धूमधाम से पार्टी में सदस्यता दिलाई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में लालू परिवार और चंद्रिका परिवार का मुकाबला हो सकता है। तेजस्वी या तेज प्रताप में से किसी एक के खिलाफ ऐश्वर्या चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें कि चंद्रिका राय को उनके विधानसभा क्षेत्र परसा में ही घेरने के लिए करिश्मा को राजद में शामिल किया गया था। करिश्मा ने भी राजद में शामिल होते ही बहन ऐश्वर्या से तलाक मांग रहे तेज प्रताप को बिहार का सबसे प्यारा नेता बताया और लालू परिवार के प्रति समर्पण दिखाया है। करिश्मा ने कहा था कि ऐश्वर्या की शादी से पहले ही लालू परिवार से हमारा करीबी रिश्ता है। मेरे पिता विधान चंद्र राय और लालू प्रसाद कॉलेज के दिनों से ही अच्छे मित्र रहे हैं। राजद में किसी लालच से नहीं आई हूँ, बल्कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करने आई हूँ। हर किरदार निभाने के लिए तैयार हूँ। करिश्मा को लालू प्रसाद में अपने दादा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय का अक्स दिखता है। उन्होंने कहा था कि मेरे दादा ने भी गरीब गुरबों के लिए काम किया है, राजद प्रमुख भी कर रहे हैं। वही चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के तलाक का मामला अभी भी अदालत में लंबित है। शादी के 6 महीने बाद ही तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दी थी। उसके बाद से ही दोनों परिवारों के संबंध बिगड़ चुके हैं। ऐश्वर्या ने भी अपनी सास राबड़ी देवी एवं अन्य पर मारपीट कर घर से निकालने का मामला दर्ज करा रखा है। करिश्मा ने राबड़ी को माता तुल्य बताया और कहा कि मैं उन्हें जमाने से जानती हूँ, उनके साथ काम करते हुए मुझे अच्छा लगेगा। तेजस्वी और तेज प्रताप सबके चहेते हैं, मीसा दीदी भी तो बहुत प्यारी हैं। तो बेशक देखना दिलचस्प होगा, एक तरफ जहां चंद्रिका राय जदयू की ओर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर करिश्मा राय राजद की ओर से दानापुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी ऐश्वर्या राय के चुनाव लड़ने को लेकर कोई खबरें नहीं आई है। बहरहाल, बिहार और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।